हेलो फ्रेंड्स, मैं सैफ शफीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लूरल इफ्यूज़न के बारे में, यानी कि फेफड़ों में पानी भर जाना, छाती में पानी भर जाना। इस चीज़ के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे प्लूरल इफ्यूज़न क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, और साथ ही आपको बताएंगे कि प्लूरल इफ्यूज़न का उपचार किस तरीके से किया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, प्लूरल इफ्यूजन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हमारे फेफड़ों में पानी भर जाना, छाती में पानी भर जाना। दोस्तों, हमारे लंग्स और चेस्ट के बीच में प्लूरा होती है, जिसको हम बोलते हैं लंग्स की कवरिंग। इन दोनों लंग्स की कवरिंग के बीच में जब प्लूरल स्पेस के अंदर कोई फ्लूइड भर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूज़न। तो दोस्तों, ये किसी भी कारण की वजह से हो सकता है। बेसिकली इसके दो टाइप्स होते हैं, ट्रांसिड्यूटिव और एक्सिड्यूटिव प्लूरल इफ्यूज़न। ट्रांसिड्यूटिव में बेसिकली ये होता है, हमारे कोई भी ऑर्गन के डैमेज होने की वजह से, या किसी भी, जैसे फॉर एग्जांपल क्रोनिक हार्ट फेलियर हुआ, तो उसकी वजह से हमारे प्लूरल स्पेस में पानी भर गया, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसिड्यूटिव टाइप। एक्सिड्यूटिव टाइप होता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हमें प्लूरल, हमारी जो प्लूरल स्पेस है वहाँ पे पानी भर गया हो, तो इसको हम बोलते हैं एक्सिड्यूटिव टाइप। दोस्तों, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? प्लूरल फ्लूइड को जब हम चेस्ट एक्सरे में देखते हैं, तो चेस्ट एक्सरे के अंदर जो कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स होते हैं उनकी ब्लंटिंग हो जाती है प्लूरल एफ्यूजन के केस में। दोस्तों, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, साथ ही सिटी स्कैन कराया जाता है, जिससे डॉक्टर्स को पता चलता है हमारी प्लूरल स्पेस में कितना पानी भरा हुआ है और कैसा पानी भरा हुआ है, और साथ ही इस पानी को निकाल कर एस्पिरेट करके इसको जांच के लिए भेजा जाता है, ताकि इसका कारण पता लगाया जा सके। इसके सिम्टम्स की बात करें तो प्लूरल इफ्यूज़न में आपको बुखार आएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, आपको ब्रेथलेसनेस फील होगी, आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होगा, तो प्लूरल इफ्यूज़न के ये सिम्टम्स होते हैं। जनरली इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, तो इसके कारण के साथ ही इसका ट्रीटमेंट जुड़ा होता है। जनरली जो ट्रांसिड्यूटिव टाइप होता है उसको मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है, पर जनरली जो एक्सिड्यूटिव टाइप होता है उसके लिए प्लूरल फ्लूइड को प्लूरल स्पेस से ड्रेन करना होता है, जिसके लिए चेस्ट ड्रेन डालना पड़ता है, पिकटेलिंग करनी होती है। तो इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है प्लूरल इफ्यूज़न का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत ब्रीफ वे में आपको बताया है कि प्लूरल इफ्यूज़न क्या होता है, फेफड़ों में पानी भरना क्या होता है, और इसका इलाज किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।